आजम नगर पंचायत कोऑपरेटिव बैंक में किसान की सुविधा के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर सेवा शुरू होने से लोगों में हर्ष। आपको बता दें, शनिवार को आजम नगर पंचायत स्थित कोऑपरेटिव बैंक शाखा स्थित किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सेवा कंप्यूटर से हो सके, इसके लिए कंप्यूटर कक्ष का उद्घाटन प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी नवनीत कुमार सिंह तथा मुखिया भारत कुमार राय व पैक्स अध्यक्ष जयदेव प्रसाद लाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं पैक्स अध्यक्ष जयदेव प्रसाद लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वृद्धि योजना के अंतर्गत दैनिक जमा योजना तथा समिति सदस्यों के छोटे छोटे बचत को प्रोत्साहन हेतु बचत खाता जमा योजना, धान व गेहूँ अधिप्राप्ति तथा बिजली बिल, जमीन की रसीद आदि कई अन्य ऑनलाइन कार्य के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जिसके लिए किसानों को बाहर जाना पड़ता था, जो अब नहीं जाना पड़ेगा। आजम नगर कोऑपरेटिव बैंक में यह सारी सुविधा किसानों के लिए उपलब्ध कराई गई। वहीं पंचायत के मुखिया भरत राय ने बताया कि हमारे क्षेत्र गरीबी क्षेत्र है, जहां किसानों को ऑनलाइन से जुड़ी कार्य कराने में काफी दिक्कत होती थी, जो कि अब आजम नगर कोऑपरेटिव बैंक में यह सारी सुविधा पैक्स अध्यक्ष के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोगों में काफी खुशी है। वहीं उद्घाटन समारोह में आजम नगर पैक्स के सदस्य मोहम्मद निजामुद्दीन, अब्दुल कैमूर, अरुण कुमार मंडल, रोहित केसरी, उमा देवी, अजय रजक सहित कोऑपरेटिव बैंक के कर्मी व किसान उपस्थित रहे। अध्यक्ष महोदय का फोन से मैसेज किया कि कल 10 बजे पूर्वाहन में कोऑपरेटिव में कंप्यूटर भवन का, कंप्यूटर से जो काम होता है, जो अभी नेटवर्किंग का जो काम होता है, सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तो इसको लेके हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय कहे कि इसका उद्घाटन करना है, तो इसके लिए मैं आमंत्रित होकर यहाँ पर आया हूँ। और मैं कंप्यूटर का जो उद्घाटन हुआ, इससे जो काम होगा, जो लोगों को लाभ मिलेगा, इससे हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। और अध्यक्ष महोदय का कार्य जो है बीच बीच में बहुत ही सराहनीय रहता है। और ये सेवा, चूँकि हमारा क्षेत्र गरीबी क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, जैसे बैंक में रसीद लगान का रसीद कटाने के लिए काफ़ी परेशानी होती है, और यदि यहाँ कंप्यूटर से आसानी से हो जाती है, तो मैं इसके लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने आसान से इतना बड़ा कठिन काम हो जाता है। और यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव भवन है, यहाँ पर एक और सबसे बड़ी अहम चीज़ देखा जाता है कि यहाँ हमारे यहाँ कलेक्शन होती है, और जितने भी छोटे व्यवसायी है, छोटे छोटे व्यवसायी जैसे सब्जी वाले, मछली वाले, दूध वाले, फेरी वाले, समिति सदस्य वाले, तो इनको हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ऋण दिया जाता है, और इस ऋण से वो अपना जीविकोपार्जन करता है, और उनसे जो उनको लाभ होता है, वो लाभ का राशि पुनः अध्यक्ष महोदय के कोऑपरेटिव में जमा करता है। इस तरह मैंने आज तक देखा कि 5 साल के दरमियान में हमारे जो छोटे व्यवसायी है, इनके पारिवारिक खुशहाल और धीरे 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 उसका विकास देखने में नजर आता है। मैं तो यही कहूँगा किसान के लिए भी अध्यक्ष महोदय, जैसे समय पर उनको रोपनी करना है या किसी तरह का भी फसल बीमा से जुड़े वहाँ से सरकारी लाभान्वित योजना में विलम्ब होने से हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय, उनको भी इस कोऑपरेटिव से कुछ पैसे किसान को दिया जाता है, जो वो समय पर खेती कर सके। ये तो आंखों देखा हाल है, इसमें कतई कहीं कोई कुछ बोलने की नहीं है। कि हमारे यहाँ जो है ना, धान अधिप्राप्ति का, गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य होता है, तो किसान अपना रजिस्ट्रेशन, किसान खुद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हर किसान को, और धान आदि प्राप्ति के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फसल सहायता बीमा सहायता, प्रधानमंत्री फसल सहायता योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, और बहुत से किसानों के संबंधित काम है जो हमको बाहर करना पड़ता था, और बहुत दिन से हम लोग का चाहत भी था। इस बार हम लोग जीत के आए, सभी सदस्य मिल के प्रोग्राम किए, प्रस्ताव लिए, और इसको हम लोग कंप्यूटराइज कर दिए अपने समिति को। क्या इस सेवा मिलेगी किसान? किसान के लिए ही है किसान, ये सेवा जो है संबंधित सेवा है जो है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जमा वृद्धि योजना भी है, बचत खाता, सावधि खाता और आवर्ती खाता भी, अपना जो छोटी छोटी बचत को किसान यहाँ रखते हैं शुरू से, और रखेंगे उनको बढ़िया से, हम लोग उसको संचालन करेंगे। हाँ, कोऑपरेटिव मैं यहाँ का प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का अध्यक्ष हूँ।